हेलो डियर ऑल, मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रही थी काफी देर से. मैं रिफ्रेश करने की कोशिश कर रही हूँ. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द एप्लीकेशन. ओके गाइस, चलो जी शुरू करते हैं हमारा एनी फ्रैंक का. बिफोर यू रीड क्या है, इन्होंने क्या लिखा है. लेटर है इनका, उसी में आप पढ़ो. उसके पहले क्या क्या बातों पर डिस्कस करो उसके बारे में बात करते हैं. सो एनीलीज मैरी का नाम एनी फ्रैंक है और 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 ये एक जर्मन थी, ज्यूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर टू. मतलब ये जो टाइम पीरियड था वो वर्ल्ड वॉर टू का टाइम पीरियड था और ये अपनी फैमिली के और फोर फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी. वहाँ पर इन्होंने ये सब लिखा. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. जर्मनी में नाजी की जब पावर बढ़ी तो ये वहाँ शिफ्ट हो गई एम्स्टर्डम में. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स. बट वहीं फंस गई जब नाजी का एक ऑक्यूपेशन जो था व्यवसाय था वो नीदरलैंड तक बढ़ गया. ओके, एज परसिक्यूएशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज. जब जैसे ही जेविश पॉपुलेशन बढ़ी द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. जो उनकी फैमिली थी वो छुप गई 1942 में, जो कि उनके फादर की ओटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग थी. दो साल छुपी रही उनकी फैमिली. The group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died in typhus. वहीं पर एनी की मृत्यु हो गई बर्जन बेल्सन में अपनी सिस्टर के साथ. मार्गरेट फ्रैंक उनका नाम था. उनके पिता का नाम ओटो था. द ओनली सर्वाइवर थे वो, उस ग्रुप के ओनली सर्वाइवर थे वो. एम्स्टर्डम वापस आए जब वार खत्म हो गया. उन्होंने ये डायरी जो बचा ली थी अपनी बेटी की, कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड. मतलब ये एनी की डायरी थी, उसी का एक पन्ना है. He took action to have it published in English under the name of the Diary of a Young Girl. मतलब ये जो है काफी कम उम्र तक जीवित रही तो इनके पिता ने वो डायरी पब्लिश कराई, The Story of a Young Girl. जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पर दी गई थी. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 से. ये इनके मतलब 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के सारे जो रिकॉर्ड हैं क्रमवार उसमें लिखे हुए हैं जो भी घटनाएं हुई. ठीक है, इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस. जो ये इवेंचुअली जो ट्रांसलेट हुई ओरिजिनली डच से अलग अलग डच में लिखी गई थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई और वर्ल्ड की सबसे वाइडली बड़ी रीड बुक्स में, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में हो गई. ठीक है, देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स. उस पर कुछ फिल्म्स भी बनी, टेलीविजन और थिएटिकल प्रोडक्शंस ने भी काम किया, ओपेरा भी हुआ बेस्ड ऑन द डायरी. डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ. नाजीज के अंदर जो भी हमारे दिमाग में आता था उन सबकी बात करती है डायरी. एनी फ्रैंक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है रिनॉर्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानने वाली एक तरीके की पर्सन थी. वाओ रानी प्रियदर्शनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीक्षिता फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन.
ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर जस्ट गिव मी अ व्हाइल.